हरियाणा की अनाज मंडियों का आज दौरा करेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रोहतक और बहादुरगढ़ के दौरे पर रहेंगे हुड्डा और अनाज मंडियों का जायजा इस दौरान लेंगे। किसानों से भी मुलाकात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ताओं से भी सीधा संवाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष अनाज मंडियों का दौरा करेंगे, इस दौरान वहां का जायजा लेंगे कि मंडी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अनाज मंडियों का जायजा लेंगे, किसानों से भी मुलाकात करेंगे, क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं, क्या कुछ उठान हो रहा है अनाज मंडियों में। तो जो वायदे किए गए हैं मंडी प्रशासन की तरफ से, उनका एक रियलिटी चेक भी कह सकते हैं कि किया जाएगा। क्या जो वादे किए गए हैं, क्या उनके मुताबिक वाकई अनाज मंडियों में काम हो भी रहा है या केवल हवा हवाई दावे किए गए हैं, इस बात को लेकर भी जांच आज जायजा लिया जाएगा पूर्व सीएम की तरफ से। और किसानों से सीधा संवाद भी आज कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं। रोहतक और बहादुरगढ़ में अनाज मंडियों का जायजा लेने के लिए आज पहुंचने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों से भी मुलाकात करेंगे। और क्योंकि गेहूं की फसल का उठान धीमी गति से चल रहा है, जिसे लेकर विपक्ष भी अब सत्ता पर आसीन बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। हरियाणा की अगर बात करें तो क्योंकि उठान को लेकर जो गति होनी चाहिए इस समय वो नहीं है, उठान धीमी गति से हो रहा है, जिसका खामियाजा सीधा किसान पर पड़ रहा है। क्योंकि जितनी देरी होगी उठान में, उतना ही लेट पेमेंट किसानों को होता है। प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं अनाज मंडियों का जायजा लेने के लिए, वहां पर क्या कुछ प्रबंध जो है वो किए गए हैं उनके इस आगमन को लेकर? जी बसंत, दरअसल जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा है वो आज अनाज मंडियों का दौरा करने के लिए निकले हैं और वो अपने दौरे की शुरुआत रोहतक से करेंगे। इसके बाद बेरी होते हुए, सांपला होते हुए और बहादुरगढ़ पहुंचेंगे। वो तमाम मंडियों का जायजा लेंगे जहां पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया ठीक ढंग से चल रही है, यानी किसान कहीं खरीद प्रक्रिया से परेशान तो नहीं है, गेहूं का उठान सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी स्थितियों का जायजा लेंगे। किसानों से सीधा संवाद करेंगे, नहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जब जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है मंडियों में पहुंचेंगे तो वहां उनका स्वागत भी किया जाएगा और इतना ही नहीं, जो जो अगर कोई खामी दिखाई देती है तो उसको भी सरकार से अवगत करवाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। वे करीब 12 बजे के आसपास जो है बेरी पहुंचेंगे और करीब 1 बजे के आसपास बहादुरगढ़ की अनाज मंडी का जायजा लेंगे। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़ के अनाज मंडियों की अगर बात करूं तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम है, उठान किस गति से हो रहा है? क्योंकि देखिए, उठान अगर लेट होगा तो किसानों को पेमेंट लेट होगी, जिससे जो अगली फसल बुआई है उसमें भी देरी होगी। तो वहां पर क्या कुछ इस समय स्थिति बनी हुई है अनाज मंडियों में, क्योंकि बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाते हैं लेकिन क्या वो दावे धरातल पर दिखाई दे रहे हैं प्रदीप? जी दरअसल जो बेरी की मंडी है, झज्जर की मंडी है, बहादुरगढ़ की मंडी है, सभी जगह गेहूं की भारी मात्रा में आवक होती रही है। अगर अकेले बहादुरगढ़ की मंडी की बात की जाए तो करीब 9 लाख मीट्रिक टन यहां पर गेहूं की खरीद होती थी, लेकिन इस बार जो है फसल बर्बाद हुई है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है, तो किसान इस बार घर पे भी स्टॉक करके रखना चाहते हैं गेहूं की फसल को और मंडियों में जो है कम गेहूं आ रहा है। तो बहादुरगढ़ की मंडी में उठान की स्थिति भी ठीक है और खरीददारी भी ठीक ढंग से हो रही है, लेकिन झज्जर की मंडी में भारी संख्या में भारी मात्रा में गेहूं आया है तो उठान में देरी हो रही है। गेहूं की ऊंची ऊंची ढेरियां यहाँ पर लगी हुई है जिससे किसान भी परेशान है, आढ़ती भी परेशान है, लेकिन अधिकारी देखते हैं कि कब तक जो है समस्या से निजात दिलाते हैं और कब तक उठान जो है सही ढंग से हो पाता है। अगर बेरी की मंडी की बात की जाए तो बेरी की मंडी में भी उठान ठीक ढंग से चल रहा है, यहाँ पर भी किसी तरीके की कोई परेशानी किसानों को नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अब रोहतक से देवेंद्र दांगी हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोनलाइन पर। देवेंद्र दांगी, आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में भी अनाज मंडियों का दौरा करेंगे। इससे पहले कल भी हमने इस बात को लेकर बातचीत की थी देवेंद्र की, अनाज मंडियों में प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो केवल हवा हवाई इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरातल पर वादों के अनुकूल तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा देवेंद्र। ऐसे में उठान धीमी गति से हो रहा है, आपने जायजा भी लिया, कल दिखाया भी दर्शकों को। ऐसे में देखिए, उठान जितनी देरी से होगा किसानों को पेमेंट उतनी देरी से होगी, तो सीधा खामियाजा तो किसान ही भुगत रहा है। जी बसंत, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका सीधा खामियाजा जो है वो बसंत जो है ना किसान को ही उठाना पड़ेगा। और जहां तक बात की जाए मंडी के हालात की, तो हम लोगों ने कल भी दिखाया तस्वीरों में, परसों भी दिखाया था कि रोहतक की अनाज मंडी की हालत क्या है। इसके अलावा रोहतक के अलावा हम लोगों ने मदीना अनाज मंडी भी दिखाई, बाकी मंडी के हालात भी आप लोगों ने विस्तार से बताया था। और अगर उठान की बात करें तो जितनी परचेजिंग हुई है
उसका 30% के आसपास तक उठान हो पाया, यानी 70% तक अभी भी जो है वो खुले आसमान के नीचे यहाँ पड़ा हुआ है। और जो कल जो रात को जो बारिश आई थी उसमें भीगा काफी नुकसान हुआ, किसान को भी नुकसान हुआ, आड़ती को भी काफी परेशानी हुई है। और इस बीच जो है खबर ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो आज 10:30 बजे रोहतक अनाज मंडी पहुंचेंगे, किसानों से मिलेंगे, क्योंकि मीडिया ने इस खबर को काफी प्रमुखता से लिया है। जो ये दुर्गति हुई है अनाज की दो दिन में, काफी स्थिति यहाँ खराब है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसको देखते हुए इन्होंने अपना शेड्यूल बनाया है। और इसके बाद जाएंगे ये लोग रोहतक के बाद बेरी जाएंगे, बेरी के बाद झज्जर मंडी का दौरा करेंगे, क्योंकि झज्जर मंडी में भी काफी गेहूँ की आवक है। और उसके बाद सांपला अनाज मंडी रोहतक में ही पड़ता है, सांपला में भी काफी अनाज आया है। उसके बाद जाएंगे भादुरगढ़। तो ये शेड्यूल नेता प्रतिपक्ष का रहने वाला है। और किसानों को लाजमी सी बात है, किसानों को परेशानी बसंत काफी उठानी पड़ रही है, अधिकारियों को जो गंभीरता से काम लेना चाहिए उतना गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही है। ठीक है देवेंद्र दागी, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर अपने इस दौरे पर बनाए रखेगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया।